वेलकम बैक फ्रेंड, आपके यूट्यूब चैनल इंडलेस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा जो 6 जनवरी को होने वाली है, उसके लिए ऑफिशियल विज्ञप्ति आ चुकी हुई है। और ये ऑफिशियल विज्ञप्ति इसलिए है कि किस डेट में आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे और परीक्षा की टाइम क्या रहेगी और परीक्षा के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले करके जाने हैं परीक्षा सेंटर पर, जिससे आपको वहाँ पर प्रवेश करने में या परीक्षा देने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसलिए आप वीडियो अंत तक देखिएगा जिससे आप पूरी सूचना प्राप्त कर सकें। देखिए, ये ऑफिशियल लेटर है कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश एलनगंज प्रयागराज पिन कोड जो है यहाँ का है। और इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 मंडल मुख्यालयों के जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्र दिनांक 6/1/2019 यानी 6 जनवरी 2019 को निम्न कार्यक्रम अनुसार संपादित होगी। देखिए, जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट चूज किया है उस डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा नहीं होगी, बल्कि उस डिस्ट्रिक्ट के मंडल पर परीक्षा होगी। सपोज करिए, अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं और आपने लखनऊ ही चूज किया है तो लखनऊ खुद एक मंडल है, तो लखनऊ में परीक्षा होगी। ऐसे जो जो आपने डिस्ट्रिक्ट चूज किया है वो जिस मंडल में आएगा वहाँ पर किसी सेंटर पे आपकी परीक्षा जो है संपादित की जाएगी। और ये परीक्षा जो है प्रातः 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक की होगी, यानी आपके 2.5 घंटे का जो है पेपर होगा। और आप लोगों को पता है ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होंगे, सारी तैयारी आप लोगों की चल ही रही है। मेरे चैनल के द्वारा आप सभी लोगों को करंट अफेयर्स के नोट स्टैम्प प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार उन सभी नोट्स को देख कर ही एग्ज़ाम देने जाइएगा। सेकेंडरी चीज़, आपको एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ लेकर जाने हैं, और उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसके जो प्रवेश पत्र हैं, हालाँकि पहले 29 को ही आने थे लेकिन पता नहीं क्यों डिले किया गया, तो प्रवेश पत्र इसके 31/12/2018 को अफराहन से निर्धारित वेबसाइट, जो इसकी वेबसाइट है जिसपे आप लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है sttp://atrexam.upsdc.gov.in पर जो है उपलब्ध होंगे। और 31/12/2018 यानी आज 30 तारीख है, कल दोपहर के बाद से आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको लेकर क्या जाना है परीक्षा देने समय, तो देखिए, उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर उक्त प्रवेश पत्र के साथ, यानी जो आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो एक पहचान पत्र, यानी कोई भी आप आईडी ले जाइएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि वही फ़ोटो उसमें पेस्ट रहे, लेकिन उसमें फ़ोटो होना चाहिए, जैसे आपका DL हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, यानी फ़ोटो उस आईडी में पेस्ट जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब उसमें फ़ोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, दो चीज़ हो गया। और तीसरी चीज़ जो आपको ले जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिना आपको परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा, उसमें क्या क्या ले जाना है, प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र, यानी अगर आपने BEd किया हुआ है तो BEd की ओरिजिनल मार्कशीट, BTC किया हुआ है तो BTC की ओरिजिनल मार्कशीट, या कोई अन्य आपने प्रशिक्षण लिया हुआ है तो उसकी ओरिजिनल मार्कशीट ले जा सकते हैं, या अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आप उसकी फोटोकॉपी, यानी प्रशिक्षण योग्यता व अंतिम सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति, अंक पत्र की मूल प्रति ना होने पर इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की मूल प्रति को संबंधित जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी DIET या विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, यानी अगर BEd वगैरह आपकी मार्कशीट है तो विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर अपने साथ ला सकते हैं, ठीक है ना। यानी अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आप उसकी प्रिंट फोटोकॉपी आपके पास जो होगी या इंटरनेट से के द्वारा जो मिली होगी आपको, उसको आप प्रमाणित करा के ले जा सकते हैं। और या फिर अगर आपके पास TET या CTET की मार्कशीट है तो आप उसको ओरिजिनल लेकर जा सकते हैं, यानी इन तीनों में से कोई एक चीज़ आप ले जा सकते हैं, लेकिन लेके आपको तीनों में से कोई एक जरूर जाना है। और आपको एक वोटर आईडी ले जानी है, सॉरी एक आईडी ले जानी है विथ फोटो, और उसके बाद एडमिट कार्ड ले जाना है, यानी तीन चीज़ आपको परीक्षा हाल में ले जाना है, ठीक है ना। और ये आपकी ऑफिशियल सूचना थी 29/12/2018 की आई हुई है, तो इसलिए जो है ये सब डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर लीजिए। और इससे संबंधित और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको समय समय तक मिलती रहेगी। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।